अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार, मैं तुम्हारी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में गाल कंदासीं नव मई का पोए वारी जका सूरत हाल है। असां ॾिसूं था त हर लमहे इन में का न का डेवलपमेंट थे थी। किथे पीटीआई जा अॻवाण ऐं कारकुन पार्टी छॾींदे वफ़ादारियूं मटाईंदे नज़र अचनि था, त किथे नव मई जी मज़म्मत वाक़िए जी मज़म्मत खां सवाइ न इहे इल्ज़ाम पिणु हणनि था त इहे सॼा जेके मनसूबो थियो हो इन जे पोयां पीटीआई जी आला क़ियादत यानी कि इमरान ख़ान आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं वज़ीर आज़म जे अॼु कराची जे हिकु ॾींहं जे दौरे ते। वज़ीर आज़म कराची जे अॼु हिकु ॾींहं जो दौरो कयो, जंहिंमें बिलावल भुटो ज़रदारी बि ॻाल्हायो, समूरी इन में वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं सिंध जा जेके वज़ीर आहिनि उहे बि शामिलु हुआ। पर अहम ॻाल्हि जेका बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म पारां कई हुई, बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणो त नॉन फंडिंग फॉरन फंडिंग मामले ते बि केतिरा ई सबूत हुअण जे बावजूदि हुननि को बि क़दम न खयों। इन जो इहो मतिलबु हो त हू कंहिं बि सियासी इंतकामी कारवाई ते यकीन न पिया रखनि। बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणु हो त नव मई जी जेका साज़िश आहे, जेकॾहिं उहा बिलावल हाउस में हुनजो मनसूबो जोड़ियो वञे हा, या 90 में जोड़ियो वञे हा, या रावण में इन जो मनसूबो जोड़ियो वञे हा, त छा सूरत हाल हुजे हा। बिलावल भुटो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त नव मई ते जेके बि पुरतशदुद वाक़िया थिया ऐं इन्हनि जो मनसूबो समुंड पार ताईं वञे थो, यानी कि परॾेही क़ुवतूं पिणु इन में मुलविस आहिनि। बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणु हो त छा असां इहो बर्दाश्त कयूं त फ़ौजी तनसीबात या जिना हाउस ते हमिलो कयो वञे। जेकॾहिं असां इहो बर्दाश्त कयूं था ऐं इहो सॼो कुझु विसारे था छॾियूं त पोइ रियासत जी रिट क़ाइमु न थी रहे। मजमूई इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़े निगार जावेद लांगा साहिबु जॉइन कयो आहे। जावेद साहिबु, भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद साहब, छा चवंदो, असां ॾिसूं था त नव मई खां पोइ जेका सियासी मंज़रनामे में तब्दीली आई आहे, उन जा असर, नुक़सान जा असर, उन जा सियासत ते असर ॾींहों ॾींहुं तमामु गहरा थींदा था वञनि, छा चवंदो? ॾिसो, ॾिसण जा ॿ पासा आहिनि हिन में। नव मई खां हिकिड़ी पहिरियां वारी सूरत हाल हुई, जंहिंमें चयूं मुबामूं ऐं इंतिशार जेको उहो पंहिंजी इंतिहा थियो ऐं हिकिड़ी मायूसी बि हुई हर पासे त आख़िर छा थी वञणु वञी रहियो आहे, ऐं एतिरनि क़दमनि बावजूदि इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु कंहिं क़िस्म जी कारवाई न थिए, न पई थिए, न ई का क्लैरिटी थी अचे मईशत में, सियासत में, ऐं हिकिड़ो इज़तराब हो। नव मई जे वाक्यनि अनफॉर्चुनेट हुआ ऐं पुरतशदुद हुआ, पर उन सां हिकिड़ी शइ क्लियर थी वई त जेको पी टी आई जो असुल जेको फेस आहे ऐं रियल हुनजा डिज़ाइन्स आहिनि उहो हाणे घटि में घटि साम्हूं अची विया आहिनि। हुन में हाणे कंहिं क़िस्म जो इबाम कोन्हे को त पी टी आई जी जेका लाइन हुई उहा छा हुई शुरू खां ऐं पूरो साल हुन ते जेका पी टी आई इमरान ख़ान एक्सरसाइज़ कई हुनजो क्लाइमेक्स छा हो, त इन करे हिकिड़ी क्लैरिटी थी वई आहे। तमामु घणा माण्हू जेका ग़लति फहमी हुई त मुल्क में जेका टीं क़ुवत आहे पी टी आई सियासी तौरु उनखे का समाज में तब्दीली, समाज में बहितरी जहिड़े क़िस्म जा हुनजा नारा हुआ इनकलाब जा, तब्दीली जा, अहिड़े क़िस्म जी कंहिं बि का बि सीरियस एजेंडा हुननि वटि कोन हुई। ऐं ख़ालिस्तान इमरान ख़ान जी पंहिंजी ज़ाती इक़्तदारु आहे ऐं हुनजी लॉन्गेटिविटी हुई जंहिं लाइ हुनजा सॼा मूव हुआ ऐं एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट जेका लाइन हुई हुनजो ख़ालिस्तान मक़सदु इहो त इमरान ख़ान खे जेकॾहिं इक़्तदार में आंदो वञे त पोइ समूरा जनरल सॼी जेका एस्टेब्लिशमेंट आहे उहा बिल्कुलु ठीकु आहे, पोइ हुननि में कंहिं क़िस्म जो इख़्तिलाफ़ न आहे। ऐं जेकॾहिं हुन सां नथा ॻाल्हाइनि ऐं हुनखे इलेक्शन नथा वठी अचनि ऐं हुनखे ॿीहर हुन मसल ते नथा आणनि त पोइ सॼी जेका एस्टेब्लिशमेंट बि ख़राबु आहे ऐं हुनजी जेका लाइन आहे उहा इनकलाबी आहे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इन हद ताईं जी हिकिड़ी क्लैरिटी थी आहे, जेको इफ़ाम हो सियासत में ऐं माण्हुनि खे मुझाए रखियो पी टी आई तमामु घणो अरसो, ख़ासि करे जेको यूथ आहे मुल्क जो उन वटि हिकिड़ी वॾी ग़लति फहमी हुई, कल्ट हो, क्रिज़मा हो, एतिरे हद ताईं त थी वियो। हाणे बाक़ी ॻाल्हियूं इहे आहिनि त अञा ताईं के सवाल मौजूदु आहिनि हिन जे बावजूद बि त इमरान ख़ान सां जेका जो वर्ताव आहे रियासत जो अदालतुनि जो उहो ईअं न आहे जीअं तव्हां बिलावल भुटो खे कोर्ट कयो, कंहिं बि सियासी तौर खे हिते वफ़ाक़ परस्त हुजनि या नेशनलिस्ट हुजनि मुल्क में जेके नेशनल राइट्स लाइ या डेमोक्रेट लाइ जदोजहद कनि पिया, उन्हनि खां का अहिड़े क़िस्म जी दानिस्ता या गैर इरादतनि खां ग़लती सरज़द थिए हा त हींअर मुल्क में हिकिड़ो वॾो मैस क़िस्म जो ऑपरेशन हुजे हा ऐं तव्हां सिनेरियो हिकिड़ो ॿियो क़िस्म जो ॾिसो हा। पर पी टी आई जी इहा लाइन जेका क्रॉस करण बावजूदि एतिरा एविडेंस अचण बावजूदि प्रोसेस तमामु घणो स्लो आहे ऐं कुझु अहिड़ा फोरम ते प्लेटफॉर्म मौजूदु आहिनि जितां इमरान ख़ान खे अञा ताईं सपोर्ट ऐं ऑक्सीजन ऐं रिलीफ मिले पियो। इन करे ई तव्हां ॾिठो त
इमरान खान जो है आडियो लीक कमीशन आ उनके चैलेंज कर हलो वो हुकूमत जज के बया कदम फैसला उन्होंने चैलेंज कर हलो वो जज साहबान की जो कंपोजिशन आ बेंच की उन रिमार्क्स में बॉडी लैंग्वेज में इं तो लगे ना जण अदालतों लाए चीफ जस्टिस साहब उन साथियों लाए नऊ में जड़ो वाक्य जो वो मुल्क में सरजद ही को इन करे मुझे ख्याल में अना क्लियरिटी जरूरत है अगते ऐसो पव ये केस कड़े पास था वन हाँ फेयर ट्रायल जो उसे ाल जरूरी है तो जो सिविलियंस हैं उनके मुकम्मल फेयर ट्रायल उनके ह्यूमन राइट्स आइनी हक हैं वो कें सूरत में पामाल न घुर्जन उनके मौको दिनों वे बल्कि वो स्पीडी हुए ऐसण में अचे मैसेज हुए तो वाकई रियासत जो है वो कें न के तरीके से एग्जिस्ट भी करे थी और से दिसणो पोंदो इंदर डियन में अजा ते मे चाल में झगड़े मुकम्मल तौर पे खत्म न थियो आ जावे साहब अजा ते सॉफ्टनेस मौजूद आहे किथे न किथे इमरान खान के को शेल्टर मिले तो चाहे वो अदरिया जे जरिए मिले त छा पो बिलावल बुटो जरदारी जी इया गाल वजनदार न थी लगे त जेकरे इन तरह जो मंसूबो 90 बिलावल हाउस या रावंड में जोड़ो वने हा त पोए छा एक्शन होजे हा ता समझो ता अजा भी किथे न किथे कॉम्प्रोमाइज वाली सूरत हाल आहे पीटीआई या रियासत जे विच में ऐसो प्रोसेस तमाम सिलो है अदालत की हद तई तो बिल्कुल तुम चीज सको ऐसण में भी अचे पो नौ मे के वाकन का इमरान खान के ब्लैंकेट इम्यूनिटी दिनी पी इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट जड़े नमूने से जमानती थी वन सब शुन उन मदद मौजूद आड़ी गाल नौ मे के वाकन में उनका सुनहरो उन में इमरान खान की जो पांची मैन पावर स्ट्रेंथ आ पॉलिटिकल वह डैमेज की छाने पार्टियों कारकुन से तो हलन कारकुन उनकी बुनियादी स्ट्रेंथ हूं पर मिडिल टीयर सेकेंड टीयर जो लीडरशिप आमाम घो मैटर थी करे पी वो हर वक्त पार्टी जो फेस हों कारकुन जो वो घो मुतारिक हों हल्क इलाक में तो उनको रोल हों पर जका जदीद पॉलिटिक्स आ उनमें जका लीडरशिप आ फेस आ मीडिया से पॉलिसी मेकिंग से असेंबलीज में सेमिनार्स में या इंटरनेशनल जो फोरम्स लीडरशिप ही कभी पीटीआई की जो लीडरशिप आ उनमें जो तोड़ फोड़ है जड़े नमूने वह पार्टी सियासत का अलहदगी जो अख्तियार पकन मुझे ख्याल में यो एक वो रियल डेंट है कि पार्टी जो वी वादी साल में ठही हुए उनके सारी सपोर्ट हासिल हुए उनको इं जो तितर बितर थे लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स वांग किरण वो एक तश्वीशनाक मेरे ख्याल में अमर आए वो इमरान खान लाइ भी हों बाकी जो सूरत हाल आ अदालतों की हद तई तो बिल्कुल ये चई सको तो इमरान खान के जो सपोर्ट मौजूद है अंदर जो इदार में सपोर्ट ही जो सिक्योरिटी इदारा बुधा पे तो उनमें टीवी वह कें हद तई उनके शकअप काल आई है जड़े नमूने गिरफ्तारी थी वही या जो स्टैंड आयो जड़े नमूने मिलिट्री कोर्स में उनका केस जो वह उन्होंने इंडिकेशन मिले तो टी टी मे ट्राई करिगी लिस्ट जो है वह वेटिंग में उन लगे तो उन पास जरूर एक माइंड चेंज थो अदालत में माइंड बिल्कुल चेंज न थो या खबर ना तो जो जाहरी तौर फेस आ बातनी भी यो ठीक जावेद साहब इन ही गाल इंटरप्ट कदम अदालत मूड अजा तक चेंज न थी सको है गुड टू सी यू के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी गाल कई तो जैसे पीपल्स पार्टी जा या बन पार्टी जा अगवाण जेल में वह या खास कर उन शर्जील मेमण के हवाले से भी गाल कई तो बस साल उनके जेल में रहो पो पर उत अगूणो चीफ जस्टिस वही कर उत जेल में उनके ऐसी कर चीं तो गुड टू सी यू मुझे तोखे इतने ऐसी खुशी थी बहरहाल प्रोग्राम के सिलसिले अगत बुधाई जजन के हवाले से पा अदलिया के हवाले से गुफ्तगू कई से पी अज जका हेयरिंग थी आहे मां मुख्तसर उन जो ब टे रिमार्क्स खणंदम कमीशन जे हवाले सां चीफ जस्टिस जा रिमार्क्स आ त ये कॾहिं बि न थियो आहे त अहिड़ो को जुडिशियल कमीशन हुजे जंहिंमें चीफ जस्टिस जी मर्ज़ी जा जज न हुजनि या चीफ जस्टिस खां मंज़ूरी न वरिती वञे त तव्हां सम्झो था त इन जो पिटिशनर जेका पीटीआई थी आहे ख़ुदि इमरान खान थियो आहे त इन ते बि अॻियां हली एतिराज़ थी सघनि था बिल्कुल एतराज थी सकन था जेके रिमार्क्स आया आहिनि उन मां त जेको आहे मूड जेको आहे कोर्ट जो या चीफ जस्टिस साहब जो वो सागो ही मूड आ मुझे ख्याल में वे वैल्यूज हाँ जुडिशरी में न रहा है हालांकि जे जिनजा आडियो लीक्स में जो हाजिर जज बैठा बेंच में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब उन्होंने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ या कें न के तरीके से जो आडियोज उन पटेन भी बन थी उन उनमें वेहण
यह तमाम घड़ी स्ट्रेंज अजीब गाल है। माजी में यह तो जजन के एक रिफ्लेक्शन मिलो इवन जे मू जजन चेंबर जहाँ वकील हूँ उ भी पेश ना वैल्यूज हूँ जज पा चवंदा तो अड़ा मू जिनसे समाजी तालुक रो या चेंबर जहाँ मू असा अगर पेश ना अदालत में न अचन तमाम घा मिसाल अड़ा पाकिस्तान की इवन हिस्ट्री में जजन जो कंडक्ट आ या मॉरलिटी आ वह एतरी हाई रही है कि किथे जैसे रिफ्लेक्शन होंगे उनके माइट मिट या केस से असरअंदाज की सकता है तो वे जजेस उनका अलहदा थी पर इतने तो हाँ तमाम घड़ी अजीब सूरत हाल चीफ जस्टिस साहब उन बेंच की सरवाइव तो करें पो उनो कमीशन खिलाफ जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की बुझण ला जिनमें पा उनके काफ़ी जजेस उन्होंने उन रिफ्लेक्शन थे आइडियोज में उन्होंने जिक्र थे इट्स वेरी स्ट्रेंज मॉरली जो जजेस हाई स्टेज जज आ उनके जुदा थे घुर्जे बेन जजन से यह बेंच मुश्तमिल हो पर असा ये नो दिसण में अचे जैमें लगे तो तमाम घड़ी जो पॉलिटिसाइज मूव्स जजन जहाँ इंटेंशन उहिर कें न कें तरीके से इन मामले के कमीशन के रोकण जो इरादो रखन था या इनके प्रोलॉन्ग करना चाहें प्रोसेस जावेद साहब एक बी जहाँ पिक्चर सामूँ आई जैसे असं दिठो तो प्रोग्राम में या सोशल मीडिया में व्लॉग्स में तमाम घो तबसरों थो कल जो दिहाड़ो हो योम तकरीम शहीदन जो जो दिहाड़ो हो जैसे हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबू थी शहीदन के भेटा दिनी वही इन में पिक्चर जगूणे आर्मी चीफ बाजवा की मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर सा जैमें असं दिठोसी तो बाजवा साहब भी उत वेठो ज़ाहिर फौज जो प्रोटोकॉल थे तो कें भी हालत में वो पे आर्मी चीफ अगूणे के हाणो के बिल्कुल ऑन कंदा असं दिठोसी जो पॉलिसी असें मुशर्रफ के उन में भी नजर आई ज़िया जो उन में भी नजर आई मैसेज वे तो इनसा फौज के जरिया उनका वजात आई है उनमें ये अड़े किस्म जो यादगारी प्रोग्राम हूँ या मेमोरियल प्रोग्राम हूँ उनमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के जो छह महीना तीन रिटायरमेंट जहाँ अंदर हूँ उन्होंने इन्वाइट कर ट्रेडिशन रही है बई जो जनरल उन्हें छह महीना रिटायरमेंट के ना इन कर इन्वाइट कर मिलिट्री ट्रेडिशन के हवाले से जो पर्सपेक्टिव सामू पो अचे तो जनरल बाजवा जो उसे वेहण खुद यो इंडिकेशन है इमरान खान तमाम घना जो इल्ज़ाम जनरल बाजवा से लागू हणंद रो खबर ये तो फौज तरफा मैसेज दिनों वो जनरल बाजवा जो इतने इल्ज़ाम बावजूद हाँ इस्टेब्लिशमेंट से गड बीठो आ वक्त अचान से वो सो गड बीह उन जे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसिस इमरान के जो चेन पजन साल के इकदार जहाँ वो माना एक किस्म के वादा माफ गवाह तौर भी पेश कर यह थ्यूरी है जो सोशल मीडिया से क्वाइन थी करें बिन्हीं किस्म की हाँ एक पासो फौज की ट्रेडिशन जो आो पासो सॉलिडेरिटी जो आ शहीद की तकरीम सॉलिडेरिटी जो ओ इन जहाँ बटे जो ये एप्लीकेशन थी सकन था पर मुझे ख्याल में पोई जो थ्यूरी है उनमें थोड़ा वजन यो है सॉलिडेरिटी शो करण लाकान जो इमरान खान जो हाँ जी एस्टेब्लिशमेंट के गेल किया वो एक कॉमन पॉलिटिकल जो टारगेट या एनिमी थी वो उनमें कदें कदम मैसेजेस भी दिबा तो लीडरशिप जो वेठी आट में घट सहमत आमाम घा राज गाल जैसे अची सकन थो तब आडियो वीडियो जैसे मुख्तलिफ़ किस्म खुद मैसेज हैं मुख्तलिफ़ हवालन से जो मू छन था वे खुद परेशान हैं किथे उनकी का आडियो किथे का वीडियो अची में जाहिर है कि वार वार नर्व्स आसापी है वह बिन्हीं पास जारी है उनमें मैसेजिंग पे है तो तुम में यो समझी सको मैसेजिंग जो है बट एज अ लेमैन मुझे एक जाती ख्याल यो जैसे इन फ्रेम में जनरल बाजवा न हो तो वो बेटर हो जाए जो जो सजो मैसअप इमरान जो थल जो क्लाइमेट जो नौ मई वो उनमें जनरल बाजवा जो तमाम वो अहम किरदार रो वही मेहरबानी जावेद साहब तुम मौकफ़ दियण जला असा के प्रोग्राम में जॉइन कर नाजिन सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार जावेद लांगा साहब अस गा प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखासी पर इतने वक्त थो है मुख्तसर वक्फे जो वूँ था वक्फो।
वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं इन समूरी सियासी सूरतहाल के हवाले से गलण के लिए असां के नून लीग से ताल्लुक रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब जॉइन किया है। सिद्दीकुल फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहिएगा इस वक्त जो 9 मई के बाद जो PTI की सियासी सूरतहाल है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद खान साहब मुज़ाकरात पर बड़ा जोर दे रहे हैं, जो उनके नाम ECL में उन समेत जो दूसरे लोगों के PTI के शामिल हुए, तो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो बाहर न मेरी मिल्कियत है, न मेरी प्रॉपर्टी है, न मेरा घर है, मुझे तो बाहर वैसे ही नहीं जाना। क्या कहिएगा? बात तो ये है कि उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, ये वो अब झूठ बोल रहे हैं, और बहुत सा पैसा उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से ये इल्ज़ाम है कि भिजवाया है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया है ये नाकाबिले माफ़ी है, और ये काम पूरी मनसूबाबंदी से करवाने के बाद उन्होंने अपने आप को मुहिब वतन रहनुमाओं और शहरियों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। तो जो आदमी मुहिब वतन ही ना हो, जो फौज को गैर आइनी काम करने पर उकसाता रहा हो, और जो फिर फाइनली सिक्योरिटी की अलामत, कौमी इफ्तिखार की अलामत और दिफाए वतन की अलामतें और यादगारों को तबाह व बर्बाद करके दुश्मन को भी खुश करे, मैं नहीं समझता कि उसके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बाकी जहाँ तक पार्टी का टूटना बिखरना ये सामने आ रहा है, तो चूंकि इमरान खान ने पार्टी के अंदर भी किसी को इज्जत नहीं दी, नंबर दो जो 9 मई के वाक़यात हैं उसका बोझ पार्टी का कोई माकूल आदमी सिवाय उनके जो इन्वॉल्व हो गए थे वो कोई नहीं उठा सकता, वो भी माफियां आप मांग रहे हैं। ये जोश में, तैश में, इंतकाम की आग में जलते हुए इमरान खान के मंसूबे पे जिन लोगों ने अमल किया है उनके होश भी ठिकाने आ रहे हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में वो पार्टी जो जनरल पाशा और जनरल पाशा के बाद दीगर जनरल ने बनाई, जनरल बाजवा ने उसे जो है ज़बरदस्ती धांधली करके इख्तदार दिया और फिर उसके साथ साथ रहा, पाकिस्तान की तबाही का बंदोबस्त किया, और उसके बाद इस पार्टी का ताश के पत्तों की तरह बिखरना ऐन फितरी है, ऐसे ही होता है। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहिएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने सुनी हैं उसमें बहुत सारे जो कारकुनान हैं, रहनमा हैं, उनकी तरफ से मजम्मत भी भरपूर की गई है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, और जैसे फयाज चौहान हैं, वावडा हैं या दूसरे, उनका कहना है कि ये हमें हिदायत मिलती रही, और जो एविडेंस हैं वो भी ये बताते हैं कि जो सामने आए हैं कि जो हिदायत थी वो जमान पास से दी जा रही थी या आला क़यादत इसमें मुलव्वस थी। तो मेरा ख्याल है कि क्या समझते हैं आप कि एविडेंस काफ़ी हैं जो फयाज चौहान ने जो चीज़ें मीडिया के सामने ला के रखी हैं, जो वावडा ने चीज़ें सामने रखी हैं, उसके बावजूद जो रियासत की रिट को चैलेंज करने वाला जो बंदा है उसके लिए जमानतों की जो बरसातें हो रही हैं। इसी हवाले से आज जो वज़ीर आज़म का दौरा कराची था तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या खूब कहा कि अगर 9 मई की खुदा न खासा साजिश बिलावल हाउस में इसका मंसूबा बनाया जाता या रेवेंड में बनाया जाता या 90 में बनाया जाता तो क्या होता? आप समझते हैं कि प्रोसेस जो है वो बड़ा स्लो है अभी भी PTI के लिए? असल में खुद अदलिया के अंदर लोग कह रहे हैं एक माफिया है, मैं कह नहीं सकता, एक पार्टी का जिम्मेदार आदमी हूँ, ठीक, लेकिन जजेस की जो बायस है, जजेस की जो अब उसकी कई वजूहात हैं, एक तो ट्रक भी चलाए हैं इमरान खान ने, और ट्रक एक ट्रक का मतलब 1 अरब रुपया है, वो तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से वो रिकॉर्ड पर आया हुआ है, बाकी भी कहां कहां ट्रक चल रहे हैं। दूसरी बात है कि कुछ जजों के सियासी मफादात हैं इमरान खान के साथ,
तीसरी बात यह है कि कुछ लोग बाहर से रहनुमाई ले रहे हैं और उनके वहाँ मफादात वाबस्ता हैं, तो इसलिए आइन कानून अखलाक बाज जजों ने बाज जो बेंचेस बन रहे हैं बनाए जा रहे हैं उन्होंने इन सब को उठा के फेंक दिया है और मर्जी के फैसले कर रहे हैं, आइन लिख रहे हैं। अब यही ऑडियो लीक्स के हवाले से जो बात हुकूमत ने बेंच बनाया है, यही मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं ये जब उस बेंच में थे तो इन्होंने इनको दुरुस्त कहा था, वो फैसला जो है मंसूर अली शाह साहब की सरबराई में वो फैसला जो है वो अगरचे इसके खिलाफ आया लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस उसमें भी उसी राय पर कायम थे। आज वो पूरी वकालत कर रहे हैं अपनी सास और दूसरे लोगों के लिए, कहते हैं मैं 6 मुकदमे या 5 जो है फैसले लेके आया हूँ, मैं तैयारी करके आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, तो क्या आप जज हैं या वकील हैं? तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों को वाला ताक रख के जो अदलिया के कुछ लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, इस पे गिरफ्त पार्लियामेंट को करनी चाहिए और इन लोगों को भी यूं आइन कानून को अपने हाथ में लेके और उसकी बुनियादें खोजने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सिद्दीक गुफ़ार साहब, माजी में भी हमने देखा कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर शेल्टर दे के बाहर भेजा जाता है उन लोगों को, तो आप समझ लें कि खान साहब के लिए ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है कहीं से, या उनको ये रास्ता दिया जाएगा? क्योंकि अब तो नून लीग की हुकूमत है और अगर ऐसा होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर हम भूल जाएंगे कि इन्होंने रियासत के साथ क्या किया तो रियासत की रिट तो बाकी नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी गुफ्तगू में उनका हवाला देना ज़रा भूल गया था। ये आप अगर देखें नवाज शरीफ साहब के साथ, बेनजीर साहबा के साथ, कहीं कोई करप्शन की साबित नहीं कर सके लोग, बिल्कुल एक रुपये की करप्शन नहीं साबित कर सके, बड़ी करप्शन तो छोड़ें, लेकिन जबरन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जहाज के अगवा का मुकदमा बनाया और मुकदमात इस तरह के बना के रिकॉर्ड पर अपना परवेज मुशर्रफ ने कहा कि नवाज शरीफ की कोई करप्शन साबित नहीं हुई। अब भी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया उसमें ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ की करप्शन नहीं साबित हुई, तो लेकिन जबर था, दबाव था, यहाँ मामलात मुख्तलिफ हैं। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, बिलाशुबा कानून और कायदे के मुताबिक। जंगी कैदियों के भी हुकूक होते हैं, इनके जो हुकूक बनते हैं वो इन्हें ज़रूर मिलें, लेकिन जो इनका जुर्म है भयानक उसकी सजा मिलनी चाहिए और इन्हें बाहर किसी मुआहदे के तहत नहीं भेजना चाहिए। सिद्दीक गुफ़ार साहब, आखिरी सवाल आपसे इंतखाबात के हवाले से, क्या इंतखाबात अक्टूबर में होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि जमहूरी प्रोसेस है, उसको होना चाहिए, अगर अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, मैं इंतखाबात जो हैं आइनी सूरत हाल जो है वो तो अक्टूबर की है, लेकिन आइन ही इजाज़त देता है कि अगर हालात इस तरह के बन जाएं तो फिर इसी असम्बली की मुद्दत में तौसील की जा सकती है, वो भी आइनी है। तो अब इस सिलसिले में फैसला जो पार्लियामेंट है उसने करना है और जो हुकूमत है उसने करना है, मैं ज़ाहिर है मैं फैसला करने वालों में तो नहीं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग से ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीक फारूक साहब असा सा गड हो, सिद्दीक फारूक साहब जो चवण हो तो इन गाल में को भी शक ना है, तो 9 मई जहाँ जो कार्रवाई थियं, जो बंज ड्रा थी, जो बाहू डी व्यू, जो फौजी तनसीबन से हमला क्या वह, रियासत की रिट के चैलेंज किया वो, जैसे इन जिम्मेवार कानून मूजिब सजा न मिली तो रियासत की रिट से केतरा ही सवाल पिण उथन था। इन हवा से अज वजीर आजम जो कराची जो एक दौरों भी हो, जैसे बिलावल भुट्टो जरदार
जारी ऐं वज़ीर आज़म पारां पिण इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो वियो त कंहिं बि सूरत में जेके 9 मई जा जेके ज़िमेदार आहिनि उन्हनि खे माफ़ु नथो करे सघिजे। इन हवाले सां बिलावल भुटो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त जेकॾहिं इहा साज़िश बिलावल हाउस में रायविंड में या 90 ते थिए हा त पोइ कहिड़ो रद्द अमल हुजे हा। यकीननि मुल्की सालमियत ते रियासत जी रिट खे चैलेंज कंदड़नि जे हवाले सां को बि समझौतो नथो करे सघिजे। इन हवाले सां जेका बि कानूनी प्रोसेस आहे पुरमन आइनी तरह उन ते अमल करण जी ज़रूरत आहे त जीअं आईंदा मुस्तक़बिल में ख़ुदा न ख़ास्ता इन तरह जा वाक़िया न थी सघनि। नाज़रीन अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अलाह वाही।